फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिश करी। फिश करी बनाने के लिए चलिए देखते हैं क्या क्या लिया जाता है। सबसे पहले फिश मैंने अच्छे से इसको तल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, नमक, ये है साबुत खड़ा जीरा, साबुत खड़ा मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसमें मिर्ची मैंने एक डाल के पेस्ट बनाया है। ये है धनिया और मिर्ची गार्निशिंग के लिए। चलिए अब बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके सामग्री डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे मिर्ची। जीरा, अब हम ये सब पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, दो चम्मच। थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने से सर्दियों में भी अच्छा लगता है। अब जीरा पाउडर। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। जब तक इसमें से तेल ना निकल आए तब तक हम इसको, अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला भून ही गया है, तेल ऊपर की ओर आ गया है। अब उसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे और इसको एक बाउल होने तक तब तक हम गरम करेंगे। एक उबाल आ जाए तब तक हम जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कलर आ गया, हम एक एक करके फिश इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक ही ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मेरी फिश करी रेडी हो गई है, मैंने सर्व करके आपको दिखाया है। इसको चावल के साथ गरम गरम जरूर खाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू।